सब्सक्राइब कीजिए सनसेक एजुकेशन चैनल को और बेल आइकन को दबाइए एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं टॉपिक नंबर 9, लेक्चर 3, वीडियो नंबर 56। इसमें क्या रहेगा अपना? साइक्लो ग्रुप। साइक्लो ग्रुप क्या रहता है अपना? ए ग्रुप जी इज सेड टू बी साइक्लो ग्रुप इफ देयर इज एन एलिमेंट ए बिलोंग टू जी सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ जी इज सेम इंटीग्रल पावर ऑफ ए, देन ग्रुप जी इज सेड टू बी जनरेटेड बाई ए एंड ए इज कॉल्ड ए जनरेटर ऑफ जी। इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे इफ जी इज ए साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए, वी राइट जी इज इक्वल टू, इस तरह से डिनोट करते हैं इसको साइक्लिक ग्रुप को, ए की पावर एम कॉमा एम बिलोंग टू इंटीजर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपना? जेड इज इक्वल टू जी इज एन फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप एंड जेड इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ वन, तो इसमें क्या रहेगा? नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपना? सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज ए साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज एन साइक्लिक ग्रुप। नेक्स्ट क्या है अपना? इफ ए ग्रुप हैज ए नॉन साइक्लिक सब ग्रुप देन द ग्रुप कैन नॉट बी साइक्लिक। ठीक है, मतलब क्या हुआ? अगर इफ ए ग्रुप हैज ए नॉन साइक्लिक सब ग्रुप देन ए ग्रुप कैन नॉट बी साइक्लिक। ठीक है, क्या मतलब हुआ? अगर नॉन साइक्लिक सब ग्रुप है एक ग्रुप के अंदर तो वो ग्रुप साइक्लिक नहीं हो सकता। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? क्यू एट इज, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल, क्यू एट इज एन साइक्लिक ग्रुप, जी एल एन एफ एन ये अपना जनरल लीनियर ग्रुप इज नॉट साइक्लिक जनरल लीनियर ग्रुप, जेड थ्री एन इज इक्वल टू वन इज साइक्लिक, जेड जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ जेड फाइव इज साइक्लिक, जेड जनरल लीनियर जेड एन इज ऑलवेज साइक्लिक एंड द नंबर ऑफ जनरेटर आर जेड एन इक्वल टू फाइव एन। नेक्स्ट है अपना जनरेटर ऑफ एन फाइनाइट एबिलियन ग्रुप। इसमें क्या रहेगा? लेट जी जी इज इक्वल टू जी इज एन साइक्लिक ग्रुप विद एलिमेंट जनरेटर ए बी एन इन फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, देन दी ए इज इक्वल टू ए इनवर्स एंड दी ओनली जनरेटर ऑफ ए जी आर ए एन ए इनवर्स। दिस सेकेंड पॉइंट क्या अपना? द सेट ऑफ इंटीजर जेड इज एन इन फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप एंड इज टू जनरेटर्स, देर आर टू जनरेटर्स दैट आर वन एंड माइनस वन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, एवरी नॉन एंटिटी एलिमेंट इज इन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर। ठीक है, ये एक तरह से क्या हो गया? ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इन एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपना? नेक्स्ट पॉइंट ये एक तरह से एक डेफिनेशन है, क्या? सब ग्रुप ऑफ एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, ये क्या? इसके भी पहला पॉइंट क्या है? इन नॉन ट्राइवल सब ग्रुप ऑफ एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट क्या है अपना? लेट सी इज इक्वल टू ए और सी बी एस इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप देन ए ए की पावर फाइव जनरेटर इज नॉट इक्वल टू ए की पावर एल, मतलब ठीक है, फॉर एस नॉट इक्वल टू टी, ये एक जैसे एस टी है ये, सॉरी। मोर ओवर ऑर्डर ऑफ ए की पावर टी इज सबसेट ऑफ ऑर्डर ऑफ साइक्लिक ग्रुप ए की पावर एस विद ऑर्डर एस। ठीक है, नेक्स्ट इन द ग्रुप जेड एम जेड इज नॉट इक्वल टू एन जेड फॉर एम नॉट इक्वल टू एम, मोर ओवर एम एम जेड इज सबसेट ऑफ एन जेड इफ एन इज सबसेट ऑफ एन डिवाइड्स एन, सॉरी। नेक्स्ट पॉइंट है अपना जनरेटर ऑफ ए सब ग्रुप ऑफ एन फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, इसमें क्या रहेगा? लेट जी बी एन फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप एंड एच बी ए सब ग्रुप ऑफ जी, एच इज इक्वल टू ए की पावर एम फॉर एम सम इंटीजर एम नॉट इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो, अगेन एच इज ऑल्सो एन फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप देन द ग्रेटर ऑफ एच आर जनरेटर ऑफ एच आर ए की पावर एन एंड ए की पावर माइनस। ये साइन मैंने रिपीट कर दिया है बाई मिस्टेक, पीछे भी लिखवा चुका हूँ। नेक्स्ट इसके ऊपर कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे लेट एम एन एन बी एलिमेंट्स ऑफ जेड, द जनरेटर ऑफ एम इंटरसेक्शन एन इज इक्वल टू एल सी एम ऑफ एम एन। ठीक है, नेक्स्ट क्या अपना? द ग्रुप क्यू इनवर्स ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर, इसको बोलते हैं जैसे जनरेटर एन इंटरसेक्शन जनरेटर एन। ठीक है, द ग्रुप ऑफ रैशनल पॉजिटिव रैशनल नंबर मल्टीप्लिकेशन इज ए नॉट ए साइक्लिक। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या अपना? इफ एच इज ए सब ग्रुप ऑफ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप जी देन ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी। नेक्स्ट पॉइंट क्या अपना? लेट जी बी ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप एंड एक्स बी एन एलिमेंट ऑफ जी देन ऑर्डर ऑफ एक्स डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट क्या अपना? लेट जी बी ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप एंड एक्स बी एन एलिमेंट ऑफ जी देन ऑर्डर ऑफ एक्स डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी। लेट जी बी ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, नेक्स्ट पॉइंट है सॉरी, लेट जी बी ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन फॉर एवरी डिविजर डी ऑफ एन देर इज ए यूनिक
सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर डी नेमली ए की पावर एन बाई के, जनरेटर ए की पावर एन बाई के। अब मेरी एडवाइस ये रहेगी, आप सोच लोगे सीधे नोट्स नोट्स लिखे हुए, बाकी ये एक तरह से क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, डायरेक्टली आपको याद करना है, डायरेक्टली क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं, जैम के क्वेश्चन पेपर में या फिर आईएएस आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का दे रहे हैं या किसी का भी दे रहे हैं, तो उसमें बहुत फायदेमंद सीधा हुआ ये, ठीक है। तो आपको जस्ट इन्हें मैं क्रैम कर लेंगे एक तरह से क्रैमिंग रिजल्ट से। नेक्स्ट क्या है अपना, लेट जी इज इक्वल टू जनरेटर एक्स बी ए साइक्लिक ग्रुप फाइनल ऑर्डर एंड देन जनरेटर एक्स की पावर एफ इज इक्वल टू जनरेटर एक्स की पावर एस, दोनों इक्वल कब होंगे, इफ एंड ओनली जी सी डी ऑफ एन आर इज इक्वल टू जी सी डी ऑफ एन एस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना म्यूट की म्यू टू की पावर एन यूनिट यूनिट ग्रुप ऑफ यूनिट्स विद एलिमेंट टू की पावर एन इज वेयर एन ग्रेटर देन जीरो सॉरी थ्री इज नॉट साइक्लिक, एक तरह से एग्जाम्पल है याद रखने वाला, ठीक है। पूछ सकते हैं म्यू टू एन इज एन साइक्लिक फर्स्ट साइक्लिक ग्रुप नॉट साइक्लिक अबेलियन नॉन अबेलियन, ठीक है, सीधा इसका आएगा नॉट साइक्लिक। नेक्स्ट पॉइंट अपना नाइन्थ, लेट ए एन बी एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप इफ ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन एंड ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू एन एंड जी सी डी ऑफ एम एन इज इक्वल टू वन देन जनरेटर ए इंटरसेक्शन जनरेटर बी इज इक्वल टू ई। नेक्स्ट पॉइंट क्या अपना म्यू टू की पावर वन इज आइसोमोर्फिक टू जेड वन, म्यू टू की पावर एन इज आइसोमोर्फिक टू जेड जेड टू प्लस जेड टू की पावर एन माइनस टू, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट अपना यूनिट ये म्यू पी की पावर एन इज आइसोमोर्फिक टू जेड पी एन माइनस बी एन माइनस वन वेयर पी इज एन ओड पॉइंट, राइट। नेक्स्ट अपना म्यू एम डॉट एन इज आइसोमोर्फिक टू म्यू एम एडिशन मोड लो म्यू एन, ठीक है, इफ जी सी डी ऑफ एम एन इज वन, ठीक है। ये तो हो गए अपने पॉइंट्स, बाकी ये पॉइंट्स जो है बाकी डिग्री यूनिवर्सिटी में ले रहे हैं या फिर आपने बी एच यू में या फिर जामिया में लेना है उनके लिए बेटर है। बाकी ये आइसोमोर्फिक आ गया, आइसोमोर्फिज्म अपने सिलेबस में लिए जैम के, तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं एक्स्ट्रा नोट्स है, ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस है, ज़्यादा इतना भी फोकस भी करना, बाकी याद कर लोगे बेटर रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट है अपना पॉइंट होमोमोर्फिज्म, लेट जी डॉट कॉमा ओ एंड जी डैश कॉमा स्टार ई बी टू ग्रुप्स, ये मतलब क्या है, ओ एक तरह से क्या है बाइनरी ऑप्शन, ए मैपिंग फाइव जी टू जी स्टार इज कॉल्ड होमोमोर्फिज्म इफ फाइव एक्स ओ वाई इज इक्वल टू फाइव एक्स प्लस स्टार वाई सॉरी स्टार वाई फोर ओल एक्स वाई बिलोंग टू जी, इफ ए बिलोंग टू जी फाइव ए इज कॉल्ड द इमेज ऑफ एंड फाइव इफ ए इज सबसेट ऑफ जी देन फाइव ए इज कॉल्ड होमोमोर्फिक इमेज ऑफ ए अंडर फाइव। नेक्स्ट पॉइंट क्या अपना कर्नल ऑफ ए होमोमोर्फिज्म, लेट फाइव सच दैट जी टू जी डैश बी ए होमोमोर्फिज्म देन द कर्नल फाइव इज नोटेड बाय कर्नल फाइव आइडेंटिफाइड एज कर्नल फाइव is equal to x belong to g such that phi x is equal to e की पावर वन वेयर e की पावर वन बी द आइडेंटिटी ऑफ g, ठीक है, ये कर्नल फाइव ये e है ज़्यादा ऐसे, ठीक है, ये अपना एक तरह से पैटर्न हो गया क्या कहना चाह रहा है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट अपना लेट जी एंड जी डैस बी टू ग्रुप्स ए होमोमोर्फिज्म फाई सच दैट जी से जी टू जी बार जी डैस इज कॉल्ड मोनोमोर्फिज्म, इसमें क्या रहेगा अगर फाई इंजेक्टिव मतलब ओनली वन वन है। सेकेंड है एपीमोर्फिज्म, एपीमोर्फिज्म में अगर सिंगल ऑन टू है आइसोमोर्फिज्म में क्या वन वन ऑन टू दोनों है, एंडोमोर्फिज्म क्या होता है जब फाई इज फ्रॉम जी टू इट्सेल्फ मतलब खुद से ही मैपिंग हो रखी हो तो एंडोमोर्फिज्म, ऑटोमोर्फिज्म में क्या हो जाएगा बाइजेक्टिव मतलब वन वन ऑन टू भी है और मैपिंग खुद से ही हो रखी है, ठीक है, मतलब एंडोमोर्फिज्म भी है और आइसोमोर्फिज्म भी है, ठीक है। इसके भी कुछ पॉइंट्स, लेट जी एंड जी डैश बी टू ग्रुप्स, लेट ई ई डैश बी आइडेंटिटी ऑफ जी एंड जी डैश डिफाइन फाइव सच दैट जी टू जी बार सच दैट फाइव जी इज इक्वल टू ई डैश फॉर ऑल जी बिलोंग टू जी देन फाइव इज कॉल्ड ट्राइवल होमोमोर्फिज्म। नेक्स्ट अपना पॉइंट लेट जी स्टार बी ए ग्रुप डिफाइन फाइव सच दैट जी टू जी डैश दैट फाइव जी जी इक्वल टू जी फॉर ऑल जी बिलोंग टू जी देन फाइव इज कॉल्ड आइडेंटिटी होमोमोर्फिज्म, ठीक है, ये तो ईजी था अपना। नेक्स्ट पॉइंट क्या अपना, लेट जी इज इक्वल टू जी एल टू आर एंड आर स्टार बी ए ग्रुप ऑफ जीरो रियल नंबर्स डिफाइन फाई
so that g2 r positive, so that phi a is equal to determinant of a is homomorphism and kernel phi is equal to sl special linear group o 4 2. ठीक है, sl2 r का मतलब है special linear group o 4 2. ठीक है, अब इसके ऊपर कुछ पॉइंट्स और रहते हैं. पहला पॉइंट, अगर इफ f सच दैट z पॉजिटिव टू z पॉजिटिव सच दैट fx इज इक्वल टू kx फॉर ऑल x बिलोंग टू z, देन f हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अपना, इफ f सच दैट zm टू zn बी अ होमोमॉर्फिज्म देन नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म इज इक्वल टू gcd ऑफ mn, या फिर और नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म इज इक्वल टू समेशन ऑफ φ d वेयर d इज अ कॉमन डिवाइजर ऑफ mn n. ठीक है, ये तो हो गया अपना दो पॉइंट. नेचुरल होमोमॉर्फिज्म की बात कर लेते हैं. लेट एन इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, देन ये नॉर्मल सब ग्रुप का साइन है, आगे भी पढ़ेंगे इसे. देन दी मैपिंग फाई सच दैट जी टू जी जी बाई एन. ठीक है, सच दैट फाई जी इज इक्वल टू जी एन फॉर ऑल जी बिलोंग टू जी इज एन वन ऑन टू होमोमॉर्फिज्म एंड कर्नल फाई इधर क्या रहेगा एंड फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म टर्म. ये फर्स्ट आइसो, ये आउट ऑफ सिलेबस है, जस्ट ये इसलिए लिखवाइए क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह में पूछे जाते हैं अगर एम एस सी का एग्जाम देते हो तो. ठीक है, लेट फाइव सच दैट जी टू जी बार बी ए ग्रुप होमोमॉर्फिज्म जी बाय के कर्नल फाई इज इक्वल टू फाई जी. लेट नेक्स्ट पॉइंट क्या अपना, ये इक्वल टू नहीं आएगा सॉरी, इधर ये आइसोमॉर्फिक आएगा इधर. ठीक है, फर्स्ट आइसोमॉर्फिक में क्या रहेगा, लेट जी बाई कर्नल फाई इज आइसोमॉर्फिक टू फाई जी. लेट फाई सच दैट जी जेड एन बी इज होमोमॉर्फिज्म देन जेड बाई एन जेड इज आइसोमॉर्फिक टू जेड एन और इधर कर्नल फाई क्या रहेगा एन जेड. ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम सेकंड आइसोमॉर्फिक मिजम थ्योरम. इसमें क्या रहता है, अगर के इज नॉर्मल सब ग्रुप है जी का और एन नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, तो क्या रहेगा अपना के बाई के इंटरसेक्शन एन इज आइसोमॉर्फिक टू के एन बाई एन. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अपना थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम. इसमें क्या रहेगा, अगर इफ एम इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी एंड एन इज सब ग्रुप ऑफ एम देन जी बाई एन अपॉन एम बाई एन इज आइसोमॉर्फिक टू जी बाई एन. ठीक है, ये तो हो गया अपना तीनों थ्योरम्स आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम. ये ठीक है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है अगर देखा जाए यूनिवर्सिटी या बीएचयू के हिसाब से. बाकी आईआईटी के लिए तो ये आउट ऑफ सिलेबस है, इसलिए इसमें मैं ज़्यादा फोकस मैंने किया नहीं. ठीक है, बाकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा जितना ज़्यादा हो सके. अब नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं कोसेट. कोसेट क्या रहता है, लेट एच एच इज सब ग्रुप ऑफ जी लेट ए बिलोंग टू जी वी आर्बिट्रेरी डिफाइन ए एच इज इक्वल टू ए एच सच दैट एच बिलोंग टू एच इज कॉल्ड ए लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इन जी जनरेटेड बाय ए. डिफाइन एच इज इक्वल टू एच ए सच दैट एच बिलोंग टू एच इज कॉल्ड ए राइट कोसेट ऑफ एच इन जी जनरेटेड बाय ए. ठीक है, इसके ऊपर पॉइंट्स क्या है इंपॉर्टेंट, एनी लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट ऑफ एच इन जी इज नॉन इंपिटिंग, मतलब जो लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट है वो ऑफ एच इज जी अंडर एडिशन के लिए क्या रहेगा, ए प्लस एच दैट एच बिलोंग टू एच एच प्लस एच प्लस एच दैट एच बिलोंग टू एच इज द राइट कोसेट ऑफ एच इन जी जनरेटेड बाई ए. नेक्स्ट पॉइंट फोर्थ पॉइंट क्या, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स ऑफ एंड राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी इज ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एच. नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट क्या अपना, लेट एच इज सब ग्रुप ऑफ जी एंड लेट ए बी बिलोंग टू जी देन क्या क्या रहेंगे अपने पास, फर्स्ट ए बिलोंग टू ए एच, ए एच इज इक्वल टू एच इफ एंड ओनली इफ ए बिलोंग टू ए एच, ए एच इज इक्वल टू बी एच इफ एंड ओनली इफ ए इनवर्स बी बिलोंग टू एच, ए एच इज इक्वल टू बी एच और ए एच इज इंटरसेक्शन बी एच इज इक्वल टू फाइव. नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट क्या बोला, ए एच इज इक्वल टू बी एच ऑर्डर ऑफ ए एच इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी एच, सो ए एच इज इक्वल टू एच ए इफ एंड ओनली इफ ए एच ए इनवर्स बिलोंग टू एच. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अपना, इफ ए एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ ए बिलोंग टू एच. अभी लैग्रेंज थ्योरम आ गए, लैग्रेंज थ्योरम इंपॉर्टेंट थ्योरम. ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज होती है, जब हम क्वेश्चंस कराएंगे उसमें आप खुद नोटिस करेंगे कितनी ज़्यादा बार ये यूज हुई है. ठीक है,
ये कहती क्या है, अगर एच सब ग्रुप है जी का देन, और जी क्या है अपना फाइनल सब ग्रुप है देन ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, लेकिन कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है। ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है, डायरेक्टली भी पूछी जा सकती है आईआईटी में, ठीक है। और तो बाकी आपको क्या करना है, जितना ज़्यादा उसके क्वेश्चन कीजिए, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अपना इंडेक्स ऑफ एच, इंडेक्स ऑफ एच इन जी इज द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोशेंट ऑफ एच इन जी, इफ जी इज फाइनल देन इंडेक्स ऑफ एच इन जी इज ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एच, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, आई जी एच वी राइट, इंडेक्स ऑफ एच इन जी इज आई जी एच। नेक्स्ट है अपना पॉइंट, कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स के ऊपर जो नोट्स बनते हैं वो लिखे हुए हैं, ओके। इन ए फाइनाइट ग्रुप द ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ग्रुप इज डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप, ठीक है, मतलब क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ ए इज डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ जी। नेक्स्ट पॉइंट क्या, लेट जी बी ए फाइनाइट ग्रुप एंड ए बिलोंग टू जी देन ए इज ए की पावर ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू ई फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या, ए ग्रुप ऑफ जी प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक, ठीक है, ए ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। फोर्थ है फर्म, ये हमने फोर्थ पॉइंट किया अपना फर्मेट लिटल थ्योरम, ये ए की पावर पी क्या रहेगा अपना सिमिलर टू ए की पावर ए मोड पी, ठीक है, फॉर ऑल प्राइम पी फॉर ऑल इंटीजर ए, ठीक है। ये प्राइम पी क्या है, कोई प्राइम इंटीजर है, और ये ए क्या कोई भी एक इंटीजर है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अपना स्टेबलाइजर ऑफ ए पॉइंट, स्टेबलाइजर ऑफ ए पॉइंट क्या रहता है अपना, लेट जी बी परम्यूटेशन ग्रुप ऑन ए सेट एस लेट आई बिलोंग टू एस डिफाइन स्टेबलाइजर जी आई इज इक्वल टू फाइव जी बिलोंग टू जी सो दैट फाइव आई इज इक्वल टू आई सबसेट ऑफ जी इज कॉल्ड द स्टेबलाइजर ऑफ आई इन जी इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाई जी आई। ऑर्बिट ऑफ ए पॉइंट क्या रहेगा, लेट जी बी ए परम्यूटेशन ग्रुप ऑन ए सेट एस लेट एस बिलोंग टू एस डिफाइन ऑर्बिट और बी ऑर्बिट जी, मतलब क्या हुआ, इसका ऑर्बिट ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू जी परम्यूटेशन ग्रुप जी इज इक्वल टू फाइव एस फाइव बिलोंग टू एस सबसेट ऑफ एस इज कॉल्ड ऑर्बिट ऑफ एस, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपना, ऑर्बिट स्टेबलाइजर थ्योरम, ठीक है, ये क्या कहती है अपनी, लेट जी बी ए परम्यूटेशन ग्रुप ऑफ ए सेट एस देन ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी आई इनटू ऑर्डर ऑफ ऑर्बिट ऑफ आई, ठीक है। इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, लेट ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू पी क्यू वेयर पी क्यू आर प्राइम को प्राइम आएगा साइड इज वेरीफाई करना आप को प्राइम देन एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी इज साइक्लिक। सेकंड पॉइंट क्या है, द ऑर्डर ऑफ म्यू एन इज इवन इफ एम इज ग्रेटर देन टू, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है अपना, इफ ए इज एन इंटीजर रिलेटेड टू प्राइम टू एन देन ए की पावर फाइव एन इज इक्वल टू वन मोड एन। फोर्थ पॉइंट क्या है, इन ओनली वी एस ग्रुप ऑफ ऑर्डर टेन मस्ट हैव फाइव एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर टू, ये एक तरह से क्वेश्चन था, मैंने उसका नोट कन्वर्ट किया है। नेक्स्ट एन एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर टू बी वेयर पी इज एन ओड प्राइम मस्ट हैव वन ऑफ द वन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर टू, ये भी एक क्वेश्चन था, नोट्स में कन्वर्ट हुआ है। ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12 मस्ट हैव एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर टू, आप वेरीफाई भी कर सकते हैं इनको, ठीक है, खुद से करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ जी इज ए फाइनाइट ग्रुप एंड एच इज सब ग्रुप ऑफ जी कॉमा के इज सब ग्रुप ऑफ जी देन एच के इज इक्वल टू ऑर्डर सॉरी ऑर्डर ऑफ एच के इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के अपॉन में इंटरसेक्शन ऑफ ऑर्डर एच एंड के, ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ एच एंड के, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपना, द ग्रुप ए ऑफ रैशनल नंबर अंडर एडिशन हैज नो प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ फाइनाइट इंटरसेक्स, ठीक है। ये मैं जितने भी बताएं पहले भी बता सकूँ, गैलरी की बुक आप ऑनलाइन भी शायद मिल जाएगी आपको ये, ठीक है, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आपको नहीं मिली तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से मैं आपको ये बुक अफोर्ड करवा सकता हूँ, ठीक है। ये तो हो गया अपना लेक्चर नंबर 3, अगर आपको पसंद आया है लेक्चर तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को, इससे मेरे को थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी। अगर आपको कुछ भी लगता है कि इसमें मेरे को इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये समझ में नहीं आया है, ताकि मैं उसके इतना बेटर कर सकूँ, ठीक है। बाकी कोई पॉइंट्स मिस हुआ हो तो आप बता सकते हैं कि नीचे ये पॉइंट मिस हुआ है, तो मैं कोशिश करूँगा उसे भी कवर करने की, ठीक है। मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में।